दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। तो दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की टीम पहुंची है। तो एक तरफ जहां आज शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम उनके समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर भी पहुंच गई है। तो एक और मंत्री और ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक और नेता समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर पहुंची हुई है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से लगातार जांच चल रही है और एक के बाद एक कई आम आदमी पार्टी के जो नेता है इसके घेरे में आते जा रहे हैं। एक और मंत्री का नाम अब इसमें आया है सामने और इसको लेकर देखिए जांच फिलहाल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी बुलाया गया है। ईडी ने समन भेजा है कि देखना है कि आज वो पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने और अब खबर मिल रही है ये बड़ी जानकारी कि एक और मंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है और जो ईडी की टीम है ईडी के जो अधिकारी हैं वो दस्तावेजों की देख रेख करेंगे और साथ ही पूछताछ यहां पर की जा सकती है, दस्तावेजों को खंगाला जा सकता है। समाज कल्याण मंत्री के घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। ऐसे में आज इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। 11 बजे एक तरफ जहां सीएम केजरीवाल पहुंच सकते हैं ईडी मुख्यालय और दूसरी तरफ एक और मंत्री के घर पहुंची है ईडी। Zee News.